नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के ये वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं बैल। बैल बनाने के लिए सिंपल से सिंपल कौन कौन से टेक्निक लगती है ये आज हमें आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, मेरी मिट्टी जो भिगाई है हमने, तो दिख रहा होगा आपको कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पर इसमें पानी की मात्रा देखिए हमने ज़्यादा नहीं ली है, कम से कम लेनी है। ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए और ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए। तो देखिए, इस टाइप में आप मिट्टी ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादा अगर पतली रहती है, ज़्यादा अगर पानी रहता है, तो आपका बैल तड़क सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। आपको देखिए, इसका ऐसा रोल बना लेते हैं। रोल को क्या कर लेते हैं हम, इसको आधा कर लेते हैं, 50-50। देखिए, 50-50 करने के बाद क्या कर देते, इसको रख दिया हमने। ओके, इसको रखने के बाद क्या करना है, जो एक रोल है, एक रोल में से हमें इसको इतना सर्किली निकाल लेना है और इतना इधर रख देना है। ओके, इसका रखने के बाद देखिए, जो सेकेंड रोल है, सेकेंड रोल को आपको देखिए इस तरह और बड़ा करना है और रोल बनाना है। ये देखिए, ऐसा सॉफ्ट रहना चाहिए जिस तरह हमारी मम्मी रोटी बनाते समय आटे को सॉफ्ट करती है, उसी तरह हमें मिट्टी को पहले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देना है। तो इसके बाद देखिए, काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया है और अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, चार पैरों के लिए लड्डू बना लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले निकालना कैसा है, 1, 2, 3, 4। तो चार ये बन गए हैं, इससे हम थोड़ा साइड में रख देते हैं और बाद में इसके लड्डू बनाते हैं। अब इसको फिर से हमें लंबा करना है और पतला करना है। तो देखिए, ये करने की वजह से क्या हो जाएगा, लड्डू ऑटोमेटिकली आपके छोटे 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 बनते जाएंगे। जो सर्कल्स है, आपको ज़्यादा छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे छोटे हमें 5 लड्डू बनाने हैं, 2 सींग 2 कान 1 पूंछ, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब एक लड्डू हम एक्स्ट्रा और निकाल लेते हैं, जो बनेगा बैल के ऊपर का कंधा। तो टोटल हमारे पास हो गए 2 और 2 4 5 6 लड्डू हो गए। अब जो एक्स्ट्रा मिट्टी बच जाएगी, उसको आपको साइड में रखना है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा लगाने के लिए भी काम में आ जाएगी। अब देखिए, जो सारे ये रोल को छोड़ के जो सारे हैं, उसके सर्कल बना लीजिए, गोल गोल, मतलब लड्डू जैसे बना लीजिए, 1, 2, ये मुंह वाला है इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, 2। अगर आपको ऐसा लगता है कि मिट्टी बहुत जाड़ी हो गई है, तो आप बीच बीच में ऐसा पानी का प्रयोग कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। और आपके पास देखिए, आपको ऐसे कुछ लकड़ियां भी रेडी रखनी है, जो मैचिस की लकड़ी हो, या अगरबत्ती की लकड़ियां हो, या टूथपिक हो, इस टाइप से कुछ लकड़ियां भी आपके पास रेडी रख दीजिए, जो हमें बैल बनाते समय काम में आएंगे। तो देखिए, आपको दिख रहे होंगे सारे लड्डू हमने बना लिए, सिर्फ एक रोल हमारे पास बचा है। अब इसको हम बैल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे थोड़ा साइड में रख देते हैं, और बैल कैसा बनाते हैं उसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये रोल दिखाई दे रहा है, इसका हल्के से ऐसा एक रोल बना लीजिए। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें आप पानी का हल्का सा प्रयोग कर सकते हैं, पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा पानी की हमें आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये बन गया वूल की बॉडी, मतलब बैल की बॉडी। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पे
बनाते हैं, जो हमने 6 लड्डू बनाए हैं उसमें का 1 लड्डू लेते हैं और बैल के ऊपर का कंधा बनाते हैं जो शंकर जी की पिंडी की तरह दिखाई देता है, उसे कहते हैं कंधा। इसे देखिए ऐसा पूरी तरह से सॉफ्ट कर लेना है, मर्च कर लेना है पूरा बॉडी में। देखिए कुछ आपको अगर ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादा ही बड़ा हो गया है तो इसको ऐसा प्रेस करते जाना है, थोड़ा दबा देना है, थोड़ा देखिए उंगली से हाँ। तो अभी मुंह बनाने का लिए हम देखिए जो सर्कल लिया था सर्कल को थोड़ा ट्रायंगल जैसा बना लेना है आपको। ट्रायंगल जैसा देखिए बना लेने के बाद हल्का सा इसको पूरा ट्रायंगल ही बनाना है आपको। नीचे से देखिए इस तरह का डिज़ाइन आपको बनाना है। आपको जो सींग बनाए थे हमने जो सींग लगा देना है दो, उसके पहले देखिए 2 लकड़ी लगा देना है और उसको इस तरह टोच देना है। इसी तरह देखिए उसको हमारा जो बैल बन रहा है बहुत मज़बूत बन रहा है, इस तरह देखिए पीछे से प्रेस कर लीजिए पूरी तरह से, जिससे वो सींग दोबारा निकले ना और मज़बूत चिपक जाए, क्योंकि हमने पानी डाल दिया था उसको। थोड़ा सींग जैसा डिज़ाइन देना है आपको। अब देखिए जो कान बनाए थे हमने पत्ते जैसे, आपको फिर से बता देता हूँ मैं कान कैसे बनाना है। तो हमने क्या किया था उसको देखिए, हाथ पे इस तरह सर्कल बनाया था, उसको प्रेस किया था, उसके बाद देखिए उसको एक पत्ते के जैसा डिज़ाइन दिया था थोड़ा गीले हाथों से। पत्ते से डिज़ाइन देने के बाद देखिए उसको हमने ऐसा झुका दिया था, दूसरे भी इसको हमने वैसे ही बना लिया है, तो पूरी तरह से ऐसा झुका दिया है। अब इसको देखिए हम 2 लकड़ियाँ लगाते हैं कान के लिए और इसको ऐसा डाल के प्रेस कर देते हैं, इसको नीचे की ओर झुका देते हैं। पीछे से देखिए मट्टी को एडजस्टमेंट करना है उसी तरह। इसको हम नीचे रख देते हैं। अब जो बॉडी बनाई है हमने, ये बॉडी को देखिए हम ऐसे 4 लकड़ियाँ लगा लेते हैं, 4 पैरों के लिए, जो हमने पैर के लिए 4 रोल बनाए हैं, जो 4 लड्डू बनाए थे उसको देखिए क्या करना है आपको, ऐसे बाहर की ओर लगाना है। जो पैर होते हैं बॉडी के ऊपर दिखते हैं, थोड़े बाहर की ओर दिखते हैं, तो देखिए हमने सेंटर में लगाते हुए ऐसे थोड़े बाहर की ओर लगाते हैं। उसको थोड़ा पानी लगाने की ज़रूरत होगी है। उसको देखिए बॉडी के ऊपर ऐसे प्रेस करना है आपको। प्रेस करने के बाद वो देखिए इस तरह बाहर की ओर दिखेंगे और जो दोनों पैर के बीच में का साइड है उसको थोड़ा दबा लेना है, पानी से प्रेस कर लेना है।
थोड़ा अंदर की ओर भी पानी लगा के थोड़ा मजबूत कर देते हैं कि जिससे हमारे पैर टूटना नहीं चाहिए। देखिए खड़ा करके थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं और पैर को प्रेस कर लेते हैं कि जिससे चारों पैर बराबर आए। जो मुंह बन गया है उसके लिए क्या करते हैं, मैंने कहा था आपको कि लास्ट में आपको कुछ मट्टी लगनी है, कुछ जो एक्स्ट्रा मट्टी हमने निकाल करके उसमें के कुछ मट्टी ले लीजिए आप। देखिए उस तरह उसको मुंह के नीचे की ओर थोड़ी लगा लीजिए जो इस तरह कुछ बन सके। जो बैल के मुंह के नीचे रहता है उसके बाद आपको ये मुंह लेना है। मुंह को देखिए लगाते समय आपको थोड़ा पानी लगा देना है। और इस तरह प्रेस कर देना है। देखिए ऐसा ऊपर के साइड में प्रेस होगा, वो जो प्रॉपर तरीके से प्रेस होगा जो हमने पानी लगा के प्रेस किया है, तो इसको देखिए थोड़ा ओरिजिनल बैल के जैसा दिखेगा। अरे एक्स्ट्रा लड्डू बच गया था, इसके लिए हम पूंछ के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो पूंछ के लिए देखिए इस टाइप से बना लेते हैं, उसे हल्का सा पानी लगा लेते हैं। पानी लगाने के बाद देखिए उसे कोई तो भी ऐसा डिज़ाइन दे देते हैं जब बैल ने गुंडा हुआ है, गोल घुमाइए पूंछ, ये थोड़ा एरो दे देते हैं। और एरो देने के बाद ये पूंछ को इस तरह प्रेस कर देते इसको मुंह के सेंटर में कर देना बराबर, जो बैल के मुंह के नीचे हमने बनाया है बराबर मट्टी को एडजस्टमेंट कर देना है ताकि सूखने के बाद ये मुंह अलग ना हो, तड़के ना। इसको आइस के लिए देखिए आप गऊ के दानों का भी यूज़ कर सकते हो, या तो इस टाइप के मट्टी के दो आइस बना के या फिर हल्का सा पानी लगा के दो आइस भी लगा सकते हो। अब आपको देखिए क्या करना है, उसमें एक था पेन लेके, गया हुआ पेन या लकड़ी से भी आप कर सकते हो एक्स्ट्रा, या ऐसे नाक के लिए गड्ढे कर देने हैं आपको दो साइड में, या ऐसे उंगली से भी कर सकते हो। या जो कान के लिए लकड़ी रहती है, हमने जो लकड़ी का यूज़ किया और डायरेक्ट लकड़ी से भी आप कर सकते हो। तो ये बन गया हमारा पोले के लिए बैल। इसकी हम थोड़ी सी मट्टी एडजस्टमेंट कर देते हैं। ऐसे ही मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।